कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शहर में भ्रमण पर निकले। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के प्रचार प्रसार के लिए चल रही ऑटो में बैठकर शहर में घूमे और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को उन्होंने जागरूक किया। साथ ही शहरवासियों से अपील की कि जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं और दूसरा डोज लगना है वो भी लगवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं वो अपने परिवार के को भी प्रेरित करें, मित्र आस पड़ोस के रिश्तेदारों सभी को प्रेरित करें क्योंकि कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पहुँचना चाहिए, चाहे रिलीफ वाली बात हो, राहतकार वाली बात हो, बाढ़ वाली बात हो, कोरोना वाली बात हो, वैक्सीनेशन का मामला हो, हम सब जगह प्रयास करते हैं और हमारा कार्यकर्ता बहुत ही गंभीरता से और संजीदगी से इस बात को लेता है और वहाँ पहुँचता है और हमारे सम्मानीय नागरिकों को, माता बहनों को, ग्रामीणों को, किसानों को, सब सबको मदद करता है। जहाँ तक आपने रणनीति की तय की है तो माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे एसपी साहब बहुत ही गंभीरता से इन चीज़ों को ले रहे हैं पूरे ज़िले भर में और श्रम पहन लेते हैं, मेहनत करते हैं। परसों मेरी रात को जब बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई अपन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहिएगा थोड़ा सा सहयोग हो जाए, तो मैंने 500-600 कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध किया। 200 से अधिक हमारे वैक्सीनेशन सेंटर थे और सेंटर्स पे हमने दो दो तीन तीन कार्यकर्ताओं को वहाँ पे तैनात किया और आज भी हम बहुत ही उच्ची गति से लगे हुए हैं कि हम प्रथम स्थान पर बने रहें। उसमें हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का, आप सबका बहुत ही ज़्यादा योगदान है क्योंकि ये पहुँचाने वाली बात हम कह सकते हैं लेकिन आप अगर हमारी बात आज जो हम कर रहे हैं वो नीचे तक यदि आप नहीं पहुँचाओगे तो हमारी बात सही जगह नहीं पहुँचेगी तो वैक्सीनेशन हमारा सही नहीं हो पाएगा। देखिए तो आप सबका बड़प्पन है कि आप हमें बधाई दे रहे हैं, बधाई के पास तो दरअसल आप सभी हैं। ये इतना बड़ा काम था और आगे इतना बड़ा काम है कि केवल सरकारी महकमे के बस में नहीं, अगर आप साफ बताऊँ तो आभार आप सबका जिन्होंने इतना अच्छे से इसको ओन किया, अपनाया और सहभागिता निभाई जिसकी वजह से कल इतना अच्छा परिणाम रहा। अब उस परिणाम को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसीलिए वो काम कर रहे हैं जिसका जिक्र आपने किया है। कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब इस शहर ने बहुत भुगता है, इस ज़िले ने बहुत तकलीफ, बहुत नुकसान सहा है। हम नहीं चाहते कि वो दिन दोबारा अपने को देखना पड़े। जन हानि, संपत्ति हानि, सब किस्म की हानि हम लोगों ने झेला है। लॉकडाउन रहा, बहुत दिन तक मार्केट बंद रहा, टुकड़े टुकड़े में खुलता रहा। हम नहीं चाहते कि ये फिर हो। एक गरीब कारोबारी, एक आम आदमी बड़ी परेशान होता जब ऐसे हालात निर्मित होते हैं। हम सबके प्रयास होने ये चाहिए कि ये स्थिति दोबारा निर्मित ना हो और उसी के लिए सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराइए। ये दो दिनों में हमारे पास बहुत पर्याप्त संख्या में वैक्सीन, तकरीबन 1,00,000 डोज मिले हैं ज़िले को। तो आज हमारे पास अवसर है, जिस अवसर का की तलाश थी हम सबों को कि पर्याप्त वैक्सीन मिले वो आ गया है। इतनी सारी टीमें लगी हैं, इसका मौका उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है।